बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 7 है बच्चों, और आपका टॉपिक चल रहा है फोर ब्रेन का। जो पहला हिस्सा था थैलमस, वो आपने पढ़ लिया है, दूसरा हिस्सा भी पढ़ लिया है। दूसरे हिस्से को हाइपोथैलमस कहते हैं। ये दोनों हिस्से आपने पढ़ लिए बच्चों, थैलमस भी पढ़ लिया, हाइपोथैलमस भी पढ़ लिया। आज हम फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा पढ़ेंगे, जिसका नाम है सेरिब्रमा। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम कहलाता है। इट कंट्रोल्स स्केलेटल मसल्स। अब ये सेरिब्रम के काम क्या है? स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है। स्केलेटल मसल बच्चों वो होते हैं जो हमारी हड्डियों के साथ अटैच होते हैं और हमें हमारी हड्डियों को हरकत करवाते हैं, उनको स्केलेटल मसल्स कहते हैं। तो स्केलेटल मसल को कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम। दिमाग फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? सेरिब्रम। थिंकिंग को, सोचने को, ख्यालात को भी कंट्रोल करता है सेरिब्रम। इंटेलिजेंस, जहानत, उसको भी कंट्रोल करता है सेरिब्रम। इमोशंस, जज्बात वगैरह, इनको भी कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम। इट इज डिवाइडेड इंटू टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। अब इसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक हिस्सा आप देखें ये है और दूसरा हिस्सा ये है। तो सेरिब्रम को टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर में क्या किया जाता है बच्चों? तकसीम किया जाता है। सो सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, कि इसको दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में तकसीम किया जाता है। एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल का मतलब होता है सेरिब्रम से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बच्चों? सेरिब्रम से रिलेटेड। हेमी का मतलब हाफ होता है और स्फीयर का मतलब सर्कल, ठीक है। सो आधा सर्कल ये है, आधा सर्कल ये है। सो सेरिब्रम को दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में तकसीम किया जाता है। द एंटीरियर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी बल्ब, विच रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम ऑल्फैक्टरी नर्व एंड क्रिएट द सेंसेशन ऑफ स्मेल। अब एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर बोलते हैं बच्चों अगला हिस्सा, एंटीरियर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसका मतलब है कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर के जो अगले हिस्से होते हैं उनको ऑल्फैक्टरी बल्ब कहा जाता है। सो ये सेरिब्रम है, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, और सेरिब्रल हेमिस्फीयर के जो एंटीरियर हिस्से होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको ऑल्फैक्टरी बल्ब कहा जाता है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर के एंटीरियर हिस्सों को, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के एंटीरियर हिस्सों को ऑल्फैक्टरी बल्ब कहा जाता है। आगे एंड क्या करते हैं ये ऑल्फैक्टरी बल्ब? एंटीरियर हिस्से होते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अगले हिस्सों को ऑल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं। विच रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम ऑल्फैक्टरी नर्व, और वो पैगाम को कहाँ से वसूल करते हैं? ये ऑल्फैक्टरी बल्ब है, ये भी ऑल्फैक्टरी बल्ब है, ये पैगाम को ऑल्फैक्टरी नर्व से वसूल करते हैं, जिससे सेंसेशन ऑफ स्मेल पैदा होती है, सूंघने की हिस पैदा होती है। तो ये आपने क्या सीखा? आपने कहा सेरिब्रल हेमिस्फीयर के जो अगले हिस्से होते हैं उन इंटीरियर हिस्सों को ऑल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं। वो कहाँ से पैगाम लेते हैं? वो ऑल्फैक्टरी नर्व से पैगाम लेते हैं, जिससे सेंसेशन ऑफ स्मेल, सूंघने का एहसास पैदा होता है। आगे चलें बच्चों, द अपर लेयर ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो इसका जो बाहर वाला इलाका होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो बाहर वाला इलाका होता है उसको कहा जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। अपर पार्ट ऑफ द सेरिब्रम दे आर कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। किस पर मुश्तमिल होते हैं वो? सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो ग्रे मैटर पर मुश्तमिल होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स किस पर मुश्तमिल है बच्चों? ग्रे मैटर पर मुश्तमिल है। किस पर? ग्रे मैटर पर मुश्तमिल है। और जो ग्रे मैटर होता है बच्चों वो किस पर मुश्तमिल होता है? वो सेल बॉडीज पर मुश्तमिल होता है। कहीं पे भी ग्रे मैटर आ जाए बच्चों, वो ग्रे मैटर मुश्तमिल होगा किसके ऊपर? एक चीज उसमें सेल बॉडीज होंगी, और दूसरे नंबर पे उसके अंदर क्या होंगे? नॉन मैलिनेटेड एक्सॉन्स, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होंगे, इनके बगैर माइलिन वाले एक्सॉन्स। इनके जिन एक्सॉन्स के ऊपर वो माइलिन की शीट
फैट क्लियर नहीं होती उनको क्या कहते हैं, नॉन मेलिनेटेड एक्सॉन्स। और उसके बाद अलावा जो सेल बॉडीज होती हैं वो भी मौजूद होती हैं किसके अंदर, ग्रे मैटर के अंदर। सो आपने क्लियर किया कि सेरिब्रल हेमिसफेयर का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो बाहर वाला हिस्सा होता है, उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। वो ग्रे मैटर पे मुश्तमिल होता है, वो ग्रे मैटर से बना होता है। और ग्रे मैटर में एक तो सेल बॉडीज होती हैं बच्चों, और दूसरे नंबर पे ग्रे मैटर के अंदर नॉन मेलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, बगैर मेलिन वाले एक्सॉन्स होते हैं। आगे चलते हैं, ये वो आपको बता रहा है, द ग्रे मैटर ऑफ द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज। ग्रे मैटर में सेल बॉडीज शामिल है एंड नॉन मेलिनेटेड एक्सॉन्स शामिल है, यानी कि ऐसे एक्सॉन्स शामिल है जिनके ऊपर मेलन नहीं है। बीनीथ दिस लेयर इज प्रेजेंट द व्हाइट मैटर, एंड व्हाइट मैटर ऑफ द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स। ठीक है बच्चों, तो इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नीचे जब हम थोड़ा इसके अंदर आते हैं, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नीचे जो हिस्सा मौजूद है उस हिस्से का नाम व्हाइट मैटर है। याद रखिएगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नीचे या ग्रे मैटर के नीचे कौन सा इलाका होता है, व्हाइट मैटर होता है। क्या हिस्सा होता है बच्चों, व्हाइट मैटर होता है। और व्हाइट मैटर में एक ही चीज होती है और वो होते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन्स, यानी कि ऐसे एक्सॉन्स जिनके ऊपर किसकी शीट होती है, जिनके ऊपर माइलिन श्वान सेल्स होते हैं। क्या और कौन से सेल्स होते हैं बच्चों, श्वान के सेल्स होते हैं। और वो श्वान के सेल्स क्या खारिज करते हैं, माइलिन की शीत खारिज करते हैं, फैटी लेयर खारिज करते हैं। सो माइलिन की शीत मौजूद है, मौजूद है। सो व्हाइट मैटर ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स का अंदर का इलाका है, और ये किस पर मुश्तमिल होता है, मेलिनेटेड एक्सॉन्स पर मुश्तमिल होता है, जो कि बाहर वाला इलाका सेरिब्रल कॉर्टेक्स है और वो ग्रे मैटर पर मुश्तमिल है। और उस बाहर वाले सेरिब्रल कॉर्टेक्स को जो ग्रे मैटर पर मुश्तमिल है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, सेल बॉडीज और नॉन मेलिनेटेड एक्सॉन्स। एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आगे भी आप पढ़ेंगे, याद रखिएगा बच्चों, ब्रेन में ना या सेरिब्रम में बाहर क्या होता है, बाहर ग्रे मैटर होता है। ब्रेन में सेरिब्रम में बाहर क्या होता है, ग्रे मैटर, जबकि अंदर क्या होता है, व्हाइट मैटर। अंदर ब्रेन में अंदर ग्रे व्हाइट मैटर है और बाहर ग्रे मैटर है। लेकिन जब हम स्पाइनल कार्ड पढ़ेंगे, स्पाइनल कार्ड में इनर साइड जो होगी वो ग्रे मैटर होगी, और स्पाइनल कार्ड में जो आउटर साइड होगी वो व्हाइट मैटर होगी। वहां पे भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको इतना पता हो, यहाँ पे बाहर वाला इलाका सेरिब्रल कॉर्टेक्स है जो ग्रे मैटर पे मुश्तमिल होता है, और ग्रे मैटर इन चीजों पर मुश्तमिल होता है। अंदर वाला इलाका व्हाइट मैटर है, और व्हाइट मैटर किस पर मुश्तमिल होता है, मेलिनेटेड एक्सॉन्स पे। सो बाहर ग्रे, अंदर व्हाइट मैटर। आगे चले, सेरिब्रल कॉर्टेक्स हैज लार्ज सरफेस एरिया एंड इट इज फोल्डेड इन ऑर्डर टू फिट इन द स्कल। कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इसका सरफेस एरिया बहुत होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। एंड इट इज फोल्डेड इन ऑर्डर टू फिट इन द स्कल, तो फिर छोटी सी स्कल में ये कैसे आ जाता है, ये फोल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, बल्क खा लेता है। सो याद रखिएगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ये लार्ज सरफेस एरिया रखता है, और फिर छोटी सी स्कल में फिट होने के लिए क्या हो जाता है, ये फोल्ड हो जाता है। इट इज डिवाइडेड इंटू फोर लोब्स। याद रखिएगा, जो सेरिब्रम है या सेरिब्रल जो हेमिस्फीयर है, उनको चार लोब्स में तकसीम किया जाता है, चार पार्ट्स में तकसीम किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला लोब जो है फ्रंटल लोब है, दूसरा लोब जो है बच्चों वो पेराइटल लोब है, तीसरा लोब ऑक्सीपिटल लोब है, और चौथा लोब जो है वो टेम्पोरल लोब है। बच्चों याद रखना, जो हमारी सामने हड्डी होती है पेशानी के ऊपर, उस हड्डी का नाम फ्रंटल बोन होता है। क्या नाम होता है उस हड्डी का नाम, फ्रंटल बोन। और उस फ्रंटल बोन के पीछे जो लोब होता है सेरिब्रम का, उसको फ्रंटल लोब कहते हैं। हमारे सर के जो ऊपर हड्डी है, ऊपर ऊपर वाली हड्डी, उसको पेराइटल बोन कहते हैं। कौन सी बोन कहते हैं, पेराइटल बोन कहते हैं। और उसके नीचे जो सेरिब्रम का हिस्सा है उसको पेराइटल लोब कहते हैं। इसी तरह जो हमारा जो सर है, उसमें जो पिछली साइड है, हमारे जो सर की जो पिछली साइड है, वहाँ पे जो हड्डी होती है उसको ऑक्सीपिटल बोन कहते हैं। और उस साइड पे जो ब्रेन का हिस्सा मौजूद है उसको ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं। और हमारे कानों की जो साइड है, कान की जो साइड्स होती है दोनों कानों की, उस साइड पे जो हड्डी होती है उसको टेम्पोरल बोन कहते हैं, और उस साइड पे जो ब्रेन का हिस्सा आता है उसको टेम्पोरल लोब कहते हैं। सो चार लोब है, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, पेराइटल लोब, फ्रंटल लोब, चार लोब्स हैं सेरिब्रम के। सबसे पहले फ्रंटल लोब को देख लेते हैं। फ्रंटल लोब कंट्रोल मोटर फंक्शन, कि ये मोटर फंक्शन को कंट्रोल करता है।
परमिट कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स, कि स्केलेटल मसल की जो क्या होती है शौरी हरकत होती है उनको कंट्रोल करता है। एंड कोऑर्डिनेट मूवमेंट मसल कोऑर्डिनेट मूवमेंट इन्वॉल्व इन स्पीच, और बोल चाल के दौरान जो मूवमेंट्स होती हैं उनको क्या करता है, उनको कोऑर्डिनेट करता है। सो फ्रंटल लोब के क्या काम है, कंट्रोल मोटर फंक्शन के हर की अफाल को कंट्रोल करता है। परमिट कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल्स को शौरी कामों की इजाज़त देता है। एंड कोऑर्डिनेट मूवमेंट इन्वॉल्व इन स्पीच, बोल चाल के दौरान जो हमारे मूवमेंट्स होती हैं उनमें बहमी रब्त हम एंगी कोऑर्डिनेट करता है फ्रंटल लोब। अब चलते हैं पैराइटल लोब बच्चों, ठीक है, ये सबसे ऊपर वाला लोब होता है। कंटेन सेंसरी एरियाज दैट रिसीव इम्पल्सिस फ्रॉम द स्किन, ठीक है, तो इनके पास सेंसरी एरियाज मौजूद होते हैं दैट रिसीव इम्पल्सिस फ्रॉम स्किन, जो स्किन से मालूमात को लेते हैं। तो याद रखिएगा पैराइटल लोब में सेंसरी एरिया मौजूद है जो मालूमात को स्किन से हासिल करते हैं, जबकि ऑक्सीपिटल लोब जो हमारे पीछे पीछे है रिसीव एंड एनालाइज विजुअल इंफॉर्मेशन, ये बसरी मालूमात, ठीक है, देखने से मुतल्लिक जो मालूमात होती हैं उनको रिसीव करता है और उनको एनालाइज करता है। सो ऑक्सीपिटल लोब का काम होता है रिसीव करना और एनालाइज यानी कि तजिया करना विजुअल इंफॉर्मेशन का, बसरी मालूमात का। टेम्पोरल लोब कंसर्न्ड विद हियरिंग एंड स्मेल, हियरिंग एंड स्मेल सुनने और सूंघने से मुतल्लिक है। हियरिंग और स्मेल से कौन सा लोब मुतल्लिक है, टेम्पोरल लोब। आगे एक शॉर्ट क्वेश्चन है और इन्फॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, हिप्पोकैम्पस, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है हिप्पोकैम्पस क्या है। हिप्पोकैम्पस इज ए स्ट्रक्चर दैट इज डीप इन द सेरिब्रम, के सेरिब्रम के डीप में सेरिब्रम के अंदर करके जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसका नाम क्या होता है, हिप्पोकैम्पस। सो ए स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट डीप इन द सेरिब्रम इज कॉल्ड हिप्पोकैम्पस। इट फंक्शंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेमोरीज, तो जो न्यू मेमोरीज है बच्चों जो नई यादें होती हैं हमारी उनके लिए इंपॉर्टेंट है। दो बातें आपने सीखी कि डीप इन द सेरिब्रम कौन मौजूद है, हिप्पोकैम्पस, और न्यू जो मेमोरीज हैं उनको भी कौन कंट्रोल करता है, हिप्पोकैम्पस। पीपल विद डैमेज हिप्पोकैम्पस कैन नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट अकर्ड आफ्टर द डैमेज बट कैन रिमेंबर द थिंग दैट हैव अकर्ड बिफोर द डैमेज। अब ये समझनी है बात आपने कि इसका काम होता है नई मेमोरी बनाना, नई यादाश्त बनाना, नई यादें बनाना, लिहाजा अगर किसी का हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाए तो वो नई चीज़ें याद नहीं कर सकता। तो कैन नॉट रिमेंबर थिंग दैट अकर्ड आफ्टर द डैमेज, सो कोई भी चीज़ अब जो बाद में होगी डैमेज के बाद होगी उस चीज़ को याद नहीं कर पाएगा वो। हाँ, जो डैमेज से पहले, नुकसान से पहले, चोट से पहले जो चीज़ें उसे आती थी वो याद रहती हैं, लेकिन नई चीज़ें वो याद नहीं कर सकता। तो ये बच्चों आपका टॉपिक था सेरिब्रम फोर ब्रेन का लास्ट हिस्सा। अल्लाह हाफिज़।